महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। पूज्य बापू ने किसानों, गांवों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा है। इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं। बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है। उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा, क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा। क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं, पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा ये कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है।